हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। विद्वान बंधुओं, आज हम इस सीरीज के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। एवरेज जो अभी आपको कंप्लीट करवाया था, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके बाद में मैं आपको टफ क्वेश्चन लेके जाऊंगा और उन टफ क्वेश्चन को कैसे अपन लोग बहुत ही क्विक यानी कम टाइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, या तो ऑप्शन से क्वेश्चन को कंप्लीट करना या आप ट्रिक बेस से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरे का पूरा सेशन बहुत ही खूबसूरत रहेगा, मजे से रहेगा। ठीक है, आपसे वादा किया था, वादा मैंने निभा दिया, लेकिन आप वादे के कच्चे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं ना, वादा पूरा नहीं है आप सबका, आप शेयर नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है शेयर करना, अगर आप लाइक कर देंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा, हमारे द्वारा टीच करना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। ठीक है, चलिए। आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग न्यू रिक्रूटमेंट के संबंधित आपको टाइम पे मिलता रहे, तो आप गिल्ज मेंटोर सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो आज की सीरीज को शुरू करते हैं, जो आपके आने वाले पेपर पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, SSC, RPF, CGL, ग्रुप डी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला गया कि एवरेज ऑफ द 36 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप 14 ईयर्स, व्हेन द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन इट, द एवरेज इंक्रीज बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज इन द ईयर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन का कैसे है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि मान लीजिए कि 36 स्टूडेंट्स की जो टोटल एज बनेगी वो कितनी बनेगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 छह का 84, 8 बन गए 14, 42 और 8 हो गए 50। अब इसमें एक टीचर को शामिल कर लिया तो पहले 36 थे, अब कितने हो गए 37। पहले एवरेज 14 थी, अब एक बढ़ जाते हैं, टोटल अब एवरेज कितनी होगी 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 साथ 105, 10 बन गए 15, 45 और 10 कितना हो गया 55। अब मैं यूं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इनका 1 और 5 आ गया अपने पास, तो 51 ईयर किसकी एज आ गई, टीचर की आ गई। क्लियर। सेकंड, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक बेस से कैसे कर सकते हैं, और ट्रिक को कहते हैं रामबाण विधि। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि या तो आपको न्यू क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, या आपको न्यू एवरेज बोल दें पेपर वाला। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है आपको ओल्ड एवरेज। क्या बताया था मैंने आपको, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस। यहां पर आपको लिखना था टोटल मेन जो भी है या टोटल क्वांटिटी है वो भी है, इसको ट्रिक में आप नोट कर लें, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू है। क्लियर। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था आपके सामने। अब बताओ मुझे, न्यू क्वांटिटी आपने निकालनी है, ओल्ड एवरेज कितनी है, यहां पर 14 साल दे रखी है। क्लियर। माफ करना, प्लस रखेंगे क्योंकि एक बड़ा है, ठीक है जी, प्लस है सिंबल। टोटल कितने हो गए 37 लोग हो गए, और कितनी बढ़ गई, एक साल बढ़ गई। अब मैंने 14 प्लस में 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बंधुओं इसका आंसर कितना आ गया, 51। आप इसका सी आंसर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ द 5 नंबर 27 है, 5 नंबरों की एवरेज 27 है, अगर इसमें से 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, या एक्सक्लूडेड का मतलब है कि अगर एक को हम टपका दें, ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 लोग मेरे पास बैठे हैं एक हॉल के अंदर, तो ये 5 लोग हैं, इनकी टोटल जो एवरेज है मैं कह दूं कि सबके पास टोटल 27 रुपए हैं। भाई एवरेज इनकी 27 हो सकता है, एक के पास 10 हो, एक के पास 37 हो, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनके पास कितने 135 रुपीज है। क्लियर। वो कहता है कि इन 4-5 में से एक को टपका दें तो पीछे कितने लोग रह गए, 4 लोग रह गए। अब 4 लोगों की एवरेज कितनी है भैया, 25 रुपए बन जाती है। कहने का मतलब एक जना चला जाएगा तो अपने हिस्से की पूंजी ले जाएगा, तो 4 जनों के पास टोटल कितने हैं, 100 है, तो पीछे कितना बच गया, यानी जो चला गया है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस कितना, 35 रुपए इसका आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन अपने ट्रिकी बेस से करना होता तो ओल्ड एवरेज कितनी है, 20 कितनी है अपने पास बंधुओं, एंड प्लस, चलिए टोटल, यानी एक जना चला गया तो उसकी एवरेज पे क्या डिफरेंस पड़ा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे है कि पहले तो एक्सक्लूडेड और इन जो इंक्लूडेड का क्वेश्चन समझे आप, क्योंकि जब तक आपको ये बेस स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा इसका आंसर निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पे आप आसानी के साथ फोकस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द 6 नंबर इज एक्स, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज वाई, इफ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 इज जेड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाँ जी,
इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपके लिए ये बना दिया। ठीक है भाई, तो ये छह लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, तो छह लोगों की एवरेज कितनी एक्स है, तो मैं इसको टोटल वैल्यू बनाऊंगा तो मेरे पास कितनी बन गई, 6x बन गई। गुड। अब प्यारे बंधुओं कहता है कि पहले तीन की जो एवरेज है वो कितनी है, वाई है, तो तीन तीन वाई हो गया। जो एंड के तीन बचे हैं इनकी कितनी है, 3z है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3y प्लस में 3z इज इक्वल कितना हो गया, 6x हो गया। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर कॉमन निकालूं तो मैंने क्या निकाल लिया, वाई प्लस जेड और इज इक्वल मेरे पास 6x हो गया। इनसे कट कर देंगे तो अपने पास एक्स जेड इज इक्वल कितना हो गया, 2x। तो इसका जो आंसर आ गया वो इसका आंसर आ जाएगा बंधुओं, अपने पास कौन सा आंसर लगा सकते हैं हम लोग, इसका सेकेंड बी ऑप्शन करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया कि 7 जो कंजक्टिव नंबर है, लगातार संख्याओं की औसत कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या, तो मैंने इनके फॉर्मूला क्या बताया था कि 20 और 1 इधर मान ली, 21 और 22 दो इधर ले लो, दो इधर ले लो, 19 और 18 कितने हो गए अपने पास, 5 हो गए, 1 इधर ले लो 17 और इधर ले लो 23। अब देखो कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7 हो गए, तो सबसे बड़ा नंबर था, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, 23। तो इस तरह से करें, हालांकि लोगों को मैं फिर भी बता दूं कि बहुत सारे बंधु इस तरह से करते हैं, ये 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 5 हो गया, फिर x प्लस 5 6 हो गया, फिर x प्लस 6 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 20। ठीक है, इंटू 7 कर लें तो 140 हो गया, ये कितना हो गया 7x हो गया। ठीक है, 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 हो गया। जब अपने 7x इज इक्वल 140 माइनस 21 करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, यस गाइस कितना बचेगा, 7x इज इक्वल 119। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 17 आ गया, तो 17 प्लस 6 करेंगे 23 इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर ऑप्शन से निकाल सकते हैं। आपको पूछा गया एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का पहले आंसर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 देन 3 देन 5 ठीक है, उसके बाद में 7 फिर 11 फिर 13 फिर कौन सा हो गया 17। तो हाउ मनी आर देयर, कितने हो गए अपने पास, 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, और ये अपने पास 8 हो गया, इसके बाद में एक 19 और था। तो सबकी प्यारे बंधु एवरेज निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में इसका आंसर लिख दें। ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसका 11 2/9 है, इसको नोट रखें, और फोर्थ है 11 1/9 है, इसका आंसर है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 जो कंजेक्टिव नेचुरल नंबर, उनकी कितनी एवरेज है, भैया 5 है। कितनी एवरेज है, 5 है। ठीक है, तो यहां मैं एक तरीका काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग अंदाज से करवाता हूं आपको। हाँ जी, कुछ मैं अलग तरीके से करवाऊंगा कि 5 लगातार नेचुरल नंबर है जिनकी क्या एवरेज एम है। लोग क्या करेंगे, लोग इस तरह से, बच्चे इस तरह से बहुत सारे करते हैं, देख लो कि 5m इसकी जो वैल्यू बन गई 5m बन गई। मैं अगर आपको तरीका समझाऊं तो आप ये मानो कि 5 जो लगातार नंबर आपके पास हैं, अब इसमें से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। एक्स के तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे लिखें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आपको उसने ये कहा कि 5 लगातार नंबर थे, तो इनकी कहने का मतलब एवरेज निकालेंगे, तो आप कितनी एवरेज निकाल देंगे आप, कि क्या डिफरेंस, किस बेस पे आप एवरेज निकालेंगे इनका। तो तरीका आप देख लीजिए, इन सबको ऐड करके आप इनकी एवरेज निकाल, तो 3 एवरेज आ गई। मैंने क्या समझाया था, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, 6/2 = 3 आ गई। अब वो कहता है कि इसके अंदर हम 3 अगले डिजिट्स और ऐड कर लें, तो 3 जैसे अगले डिजिट्स हम और ऐड कर लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, भैया 3 अगले ऐड करेंगे तो 6 7 8 कर लो, टोटल कितना बनेगा अपने पास, 6 7 8। यस गाइस, मैं अगर लिखूं कि 1 हो गया लास्ट और इधर 8 हो गया, 1 + 8 = 9 9/2 तो कितना हो गया 4.5, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया 1.5। तो ये प्यारे बंधु आपकी एवरेज आ गई। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का बारे में पूछा है कि 100 पहला हो गया और लास्ट 100 हो गया, दोनों 1 + 100 / 2 तो कितना आ गया 51, कितना आ गया 50.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं फंडे समझा रहा हूं इन क्वेश्चंस के तरीके सीख लें, क्योंकि ये तरीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो SSC जैसे पेपर को आप बहुत जल्दी क्विक हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर थोड़ा स्पीड कम रखें, लेकिन मैथ्स में हम लोग स्पीड जल्दी करेंगे,
क्योंकि जैसी आदत मैं करूंगा वैसी आदत आपको डले, ठीक है। एवरेज ऑफ द नाइन कंजेक्टिव ऑड नंबर कितनी, 53 है, तो आपको बताना है कि ना लीस्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर की बात करते हैं तो 55 ले लीजिए इधर, 57 ले लीजिए इधर, कितना 59 ले लीजिए, मैंने कितने तीन ले लिए, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं 51 ले लेते हैं, 49, 47, 45, मैंने इधर भी तीन ले लिए, तीन और तीन छह और दो आठ हो गए, इधर अपने पास कौन सा हो गया, देखो मैंने तीन इधर लिए और तीन मैंने इधर लिए, तो एक इधर ले लिया और एक हम इधर ले लेते हैं 61, क्लियर। तो मेरे पास कितने हो गए, तीन तीन छह और तीन नौ हो गए, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है बंधुओं, समझ में आ गया। अब आपको उसने लिस्ट पूछा तो सबसे छोटा क्या होगा, 45, तो करेक्ट कर दीजिए इसको, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ द ऑड ऑल द ऑड नंबर लेस देन 100, यानी एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर। अब मुझे बात का पता है कि पहले मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि सबसे छोटा ऑड क्या है, 100 है, अब सबसे छोटा ऑड 1 है और 100 से छोटा क्या है, 99 ऑड नंबर है, ये पेपर वाले ने दे दिया। अब आपको मालूम है कि इनकी एवरेज निकालनी है, वैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज का फॉर्मूला आप निकालेंगे, यानी सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटिटीज, दी गई राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये इसका एक सूत्र होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस में लास्ट नंबर, मैंने ट्रिक बताई थी, डिवाइड बाय टू कर दें, जब करें जब आपके पास डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर आर सेम। तो मुझे पता है कि एक के एक 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 नंबर छोड़कर आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑल्टरनेट क्वेश्चन आ रहे हैं ऑड के, ठीक है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू हम उसको ऑड कहते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू उसको हम इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, क्लियर। ऐसी संख्या है जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है उसको हम क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। ऐसी संख्या है जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं आता हम उसे ऑड कहते हैं, यानी विषम संख्याएं कहते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइड बाय दो करेंगे, 100/2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एवरेज ऑफ द 7 लगातार पॉजिटिव नंबरों का 26 है, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीच नंबर। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं चेक करता रहूंगा कंटिन्यू कि कौन सा ऐसा बंधु है कि जो इसका रेगुलर आंसर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इस हलवे क्वेश्चन को प्लीज आप खाना सीखिए और कैसे आपने क्विक करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, खासतौर पर मैं एसएससी का क्वेश्चन पिक किया मैंने ये। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पूछा है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर ए कंजेक्टिव इवन नंबर एंड जे के एल एम एन आर द कंजेक्टिव ऑड नंबर। तो आप दोनों को ऑल द नंबर की एवरेज पूछिए। मुझे बात बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है यार, एवरेज का मतलब होता है कि ऐसी दी गई संख्या जिनके मध्य भाग यानी जिनका मीन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता हो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, यही तो बात है ना। तो एक काम करते हैं कि यहां पर जो नंबर है मैं इसका तरीका ढूंढ लेता हूं, मैंने तीन ये छोड़ दी तो इनकी एवरेज तो निकल गई डी, ये बात समझ गए, ठीक है। मैंने क्या कर दी, दो ये छोड़ दी मेरे को एवरेज मिल गई एल, और क्वांटिटी टोटल कितनी है, दो, मेरी तरफ से ये आंसर हो गया, इसको टिक कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई यार, कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरीके की फंडे सीख लीजिए आप। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड बाय 71। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको बस इसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग ले लें कि आपको सब कुछ नजर दिख रहा है, ठीक है। चलिए 14 जो लोग हैं, 14 बच्चे हैं, उनकी जो कैलकुलेटेड एवरेज है वो 71 है, बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड 42 इंस्टेड ऑफ 56 ऑफ अनदर 74 इंस्टेड ऑफ 32 द करेक्ट एवरेज। मैंने इसके लिए क्या बताया था, मैंने इसके लिए बहुत ही खूबसूरत बताया था क्वेश्चन, कि मुझे पता है कि मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी करेक्ट एवरेज, क्या बताई थी, करेक्ट एवरेज। आपको याद होगा, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और इसके एवरेज के जितने भी तीन पार्ट उनको देख लें, अदरवाइज आपको ट्रिक्स वगैरह या आगे की सीरीज कुछ भी समझ में नहीं आने वाली। मैंने इसके लिए बताया था आपको कि सबसे पहले लिखेंगे आप ओल्ड एवरेज, उसके बाद में प्लस का सिंबल लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे आपने करेक्ट नंबर लगाना था, माइनस यहां पर आपने रॉन्ग नंबर करना था, रॉन्ग नंबर, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर देना था, टोटल नंबर। बस ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर जिस बंधु को ये मालूम है उसका आंसर बहुत जल्दी आ गया, समझो। कैसे समझ लीजिए, ओल्ड एवरेज कितनी है, 71 है, मैंने प्लस का सिंबल लगाया। अब मैंने बताना है कि रॉन्ग और राइट क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल जो है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कितने, 14 है। चलिए मैं यहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं,
वो कहता है कि 42 इंस्टेड ऑफ 56, यानी 42 लिखेंगे किसके जगह पर, 56 के जगह पर, और 74 लिखेंगे किसके, 32 की जगह पर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको लिखने 88 थे लेकिन आपने लिख क्या दिए, आपने लिख दिए 116। 116 का मतलब आपने 28 थोड़ा क्या कर दिए, बढ़ा के लिख दिए हैं, ठीक है। तो करेक्ट नंबर आपने लिखना था, सही संख्या आपने 88 लिखनी थी लेकिन गलत आपने क्या लिख दी, 116। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको दो से ज्यादा क्वांटिटी दी जा सकती है, यहां पर एक और दिया जा सकता है कि अनदर वन, ठीक है, तो अनदर वन का भी हो सकता है आंसर। तो इसका आंसर आ गया 71 माइनस 28 डिवाइड बाई 14। क्यों आया भाई, 16 माइनस क्या, 88 प्लस क्या, तो माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए माइनस का नंबर आएगा, तो ये 2 पे चला गया, तो हम 71 से माइनस 2 कर देंगे बंधुओं, तो आपका आंसर 69 आ गया। आई थिंक आपको जरूरत नहीं है किसी भी एक्स या वेक्स में जाने की, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही मीठा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिस बंधु ने कर लिया इसका मतलब वो बंधु कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में फंसेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए तभी ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाकी तो आपको मालूम ही है क्या होता है, बाकी कंडीशंस के अंदर तो मालूम है आपको सबको क्या होता है। चलिए, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एवरेज ऑफ वेट ऑफ थ्री मैन एबीसी कितना, 84 है। कितने लोग हैं, 84 है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन से समझा दूं क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ए प्लस बी प्लस सी, 84 है, तो 84 की जो मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा इंटू 3 करके, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, और 8 × 3 = 24, और 1 = 25 ये हो गया, 3 जनों का टोटल वेट हो गया। अब वो कहते हैं कि डी भी इनमें शामिल हो जाता है, जैसे ही डी शामिल होता है तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाती है, प्लस और डी करने के बाद में कितनी हो जाती है, 80, ठीक है। तो मैंने 8 × 4 कर दिया तो कितना हो गया, 8 × 4 = 32, यानी 320 किलो। वो कहता है कि इफ द, अब बताओ मुझे, मुझे बात बताओ कि अगर आपके पास एबीसी की कितनी थी, 252 थी, और डी की आपने शामिल कर लिया तो कितना हो गया, 320 हो गया, तो डी की यहां पर आपके पास एवरेज निकल के आ गई, 252 करेंगे तो डी की जो एवरेज आ गई कितने ले लें इधर से, 48 और 20 कितना हो गया, 68, ठीक है। तो 68 आपने किसका आंसर निकाल लिया, डी का वेट निकाल लिया, समझ गए यहां तक, ठीक है, समझ गए होंगे यहां तक, समझ में आ गया। चलिए, अब आगे आपको क्या दे रखा है कि वो बोलता है कि ई का जो वेट है वो 3 किलो ज्यादा है किससे, डी से, तो आपके पास ई का वेट भी आ गया। अब आपके पास ई का आ गया 3 किलो ज्यादा, तो 61 के अंदर 68 में 3 जोड़ दें तो कितना आ गया, 71 आ गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि वो कहता है कि, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देख लें आगे क्या बोला गया है, ए, हाँ जी, द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 79, तो बी सी डी ई की कितनी हो जाती है, 79, तो मैं लिखूंगा कि बी सी डी प्लस ई टोटल 79 × 4 कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, हाँ जी, तो इनका जो आंसर निकालना है आपको, तो इसमें से क्या करें आप, या तो ए बी सी डी ई और बी सी डी ई को डिफरेंस कर दें, बी सी डी ई को डिफरेंस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास 316 आ गया, तो उनका टोटल कितना था, 320, और इसको कितना करेंगे, हाँ जी, इनको, इनका कितना आ गया, 316 इज इक्वल कितना आ गया, 4 kg, तो ये 4 किलो किसका डिफरेंस निकल के आ गया, आपके पास ए और ई का डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था तो वो आपने लिखना है, तो ए के इक्वल आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, थोड़ा स्पेस बना लो, हाँ जी बंधुओं, आपको लिखना था 4 किलो ई, यानी 4 + e एंड 4 + 71, उसका वेट अपने निकाला था तो 75 किलो वजन आ गया, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 75। समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलिए रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि क्वेश्चन इस तरह का था, 3 जने थे जिनका एवरेज वेट 84 था, टोटल कितना बन गया, 252, ठीक है। अगर वो डी को शामिल कर लेते हैं तो 80 किलो एवरेज हो जाती है, यानी 320 हो जाता है, डी को शामिल करने पर बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा है, इसका मतलब ये निकला कि जो डी का वेट है वो कितना निकल के आ गया, 68 किलो आ गया। अगर डी का 68 है तो वो कहता है कि ई का इससे 3 किलो ज्यादा है, 3 किलो ज्यादा है तो इसका मतलब 71 किलो है। अब आगे उसने बोला है कि ई, यानी बी सी डी ई की एवरेज कितनी है, 79 है, 79 का टोटल कितना हो गया, 316।
अगर अपने बी सी डी ई और ए बी सी डी ई को माइनस करेंगे तो अपने पास 4 किलो डिफरेंस किन का आ गया, यानी ए और ई का डिफरेंस कितना आ गया, 4 kg आ गया। ठीक है, अब आपको ए का लिखना था, तो ए का लिखना था तो ए को 4 लिखें प्लस ई का 71 कर दें, दोनों को जोड़ देंगे बंधुओं, तो आपके पास 75 किसका आ गया, ए का वेट आ गया। क्लियर, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रीज एंड फोर नंबर, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर नंबर इज 5 देन फाइंड द फोर्थ नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा जैसा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे इनको ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका सीखें ताकि आप सभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन कर सके। तो मैं इसको अलग तरीके से करता हूं कि मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 है तो 3 की मैंने 3d लिख दिया, ठीक है, यानी 3/4 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो अपने पास कितना होगा, 9d रख लेते हैं, 9x रख लो, जैसी आपकी इच्छा है। वो कहता है कि 4 नंबरों की एवरेज कितनी है, 4 नंबरों की एवरेज कितनी है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी हो गई आपके पास, 4 × 5 = 20 हो गया। अब 20 हो गया तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आपको मालूम चल गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इज इक्वल कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपके पास ए बी सी डी की कितना था, 9d था, प्लस 1d ये लिख लें तो कितना हो गया, 20, और टोटल कितना हो गया, 10d इज इक्वल 20, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। यही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3rd ऑप्शन आ गया। क्लियर, द फोर्थ नंबर, तो चौथा नंबर बताना था आपको क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द थ्री नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज द ट्वाइस इज द थर्ड, द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 21, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस कैसे करेंगे, एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवे जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड वाले को मैंने एक्स लिख लेता हूं। सेकंड नंबर अपने पास कितना आ गया, 2x आ गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर बताना है, तो थर्ड अपने पास, यानी कहने का मतलब ये कितना आ गया इसका, 4x आ गया, यानी वो इसका दुगना है। पहले उसने बोला था कि फर्स्ट ट्वाइस द सेकंड, तो फर्स्ट ट्वाइस द सेकंड यानी उससे दुगना है, सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड तो उससे दुगना है। अब इनकी एवरेज कितनी, 21, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, 4 और 3 = 7 हो गया, यानी 7x = 21 हो गया, x = 21 हो गया। तो आपसे पूछा था द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर कितना आएगा, 21, माफ कीजिए, हाँ जी, कितना आंसर है, 3, इसका x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो एक का आंसर कितना आ गया, ये 3 आ गया, 3 × 2 = 6 आ गया, 3 × 4 = कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपसे पूछा था, स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर इज, इसका आंसर बताना था आपने। हाँ जी, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको चेक कर लेना है कि क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। आई थिंक इसका जो आंसर किया वो गलत लिखा गया है, आपको यही क्वेश्चन था, थ्री नंबर है तो फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड। हाँ जी, इसमें माफ करना जरा, मेरे द्वारा ही कुछ गलती हो गई है। तो आपने क्या लिखना था, आपने लिखना था 4x + x / 3 = 21, तो आपके पास 7x = 21 × 3 होता, तो 7 = करते तो कितना आता, 9 आता, तो स्मॉलेस्ट नंबर 9 आएगा, दूसरा 18 आएगा, तीसरा 27 आएगा। ठीक है, टोटल 63 बन जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे निकाल कर। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस अगर कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरी डिमांड आपसे है कि आप इसका आंसर निकालें। आपका क्वेश्चन दिया गया कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द 12 नंबर आपको दे रखा है 3, 11, 17, 9, 15, 16, 8, 19, 17, 21, 14 and x है, इनकी एवरेज कितनी, 12 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। बस फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, जिन इसका मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता सकता हूं कि इसका ऑप्शन क्या है, वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे के सारे आंसर। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय एग्जामिनेशन, 8 students = 51 एंड 9 students = कितने हैं, इतने हैं, तो 17 बच्चों का टोटल बताना है। तो 8 का 51 हो गया प्लस में 9 का 68 हो गया, टोटल आपको 17 बच्चों की एवरेज बतानी, इसका आंसर आप खुद बताएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द थ्री बैचेस, तीन बच्चों के बैच है जिसमें 51, 60 और 45 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 50, 55 और 60 है, तो कहने का मतलब मैं इसको शॉर्ट तरीके से अगर करूंगा, देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, कुछ लोग इसको अलग तरीके से करेंगे, 55 × 50 + 55 × कितना हो गया आपके पास, 60 एंड प्लस 45 × 60 एंड डिवाइड बाई कितने हो गए टोटल बच्चे अपने पास, यानी ये हो गया आपके पास
55, 60 प्लस 45, तो यही फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। अब इनको डायरेक्ट नहीं काट सकते, आप क्या करेंगे, आप इनका आंसर लिख सकते हैं, जीरो लगा दिया, पांच पांच 2500 और 2 27, फिर आप इनको करेंगे कितना कर देंगे, 5 6 30 3 बन गया और 3 3300 बन गया। हाँ जी, बातों बातों में कर देंगे हम इसको, 5 6 30 3 बन गया और 6 6 24 और 3 27 बन गया, डिवाइड हम कितने से कर देंगे इनको, चलिए हम देख लेते हैं, इनको 60 और कितना होता है 100, 160 हो गया। अब अपन इन सबको ऐड कर लेते हैं, जीरो कर लेंगे और ये 5 कर लेंगे, 10 और 7 17 हो गया, बच गया 1 और 2 2 4 3 7 और 1 हो गया 8, इनको अपने 160 से कट कर लेंगे। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कितना हो गया 16 5 80, कितने बच गए आपके पास 75। उसके बाद में क्या करेंगे, 16 5 80, 16 चौकी कितना होता है 64, तो 54 पॉइंट आपके पास आंसर हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एवरेज ऑफ द 30 रिजल्ट इज 20, द एवरेज ऑफ द 20 रिजल्ट इज 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द, तो कहने का मतलब 30 का कितना है इतना है और 20 का कितना है, फिर आपके पास 600 है, टोटल कितना हो गया 1200, नंबर कितने हो गए 50, कट करेंगे तो आपके पास कितना होगा 24 5 120, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका आप सीख लीजिए, आपके पास कितने हैं एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट, यानी 30 नंबरों की एवरेज होगी और फिर 20 नंबरों की, तो सम ऑफ द क्वांटिटीज कितना हो गया 50, नंबर ऑफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज 1200 और नंबर ऑफ द क्वांटिटीज 50 हो गया। 21st नंबर क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशंस इज 16 है एंड वन मोर ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड देन द मीन बिकम 17, ये ट्रिकी बेस का क्वेश्चन है, वही है, आप इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं चाहता हूं कि मैं आप इसका आंसर निकालेंगे, मैं देखता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ द 8 सक्सेसिव नंबर इज ए 6.5, देन द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, अब आपके पास सक्सेसिव नंबर है ये, ठीक है, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझ लें, क्योंकि जब आपका बेस अच्छे से स्ट्रांग हो गया तब आप इनके आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा 3, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 7 इज इक्वल कितना हो गया 6.5, देखो ये 8 नंबर बन गए हैं, तो मेरे पास होगा 8x प्लस कितना हो गया 7 चौका 28 इज इक्वल, मैं करूंगा 6.5 इंटू 8, यानी 8 नंबरों की एवरेज है। चलिए हम लिखेंगे 8x इज इक्वल, दोनों को 28 लिखा, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 48 और 4 कितना होता है 52, कितना हो गया 8x इज इक्वल कितना हो गया 52 माइनस 28 करेंगे तो 8x इज इक्वल अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 24 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग विल बी, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, देखो स्मॉलेस्ट तो यही होगा जो 3x होगा और सबसे बड़ा कितना होगा 7 और 3 10 होगा, टोटल कितने होगा 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6.5 आपके पास एवरेज आएगी। तो देखो ये क्वेश्चन तरीके से करना था आपको, अब मैं आपको सक्सेसिव का तरीका जो मैं आपको ट्रिकी ऑप्शन बताता हूँ, प्यारे बंधु आपको ये आइडिया नहीं है कि 6.5 के बाद में क्या करेंगे आप, एवरेज आइए 7.5 करें, 8.5 करें, 9.5 करें या इधर अपन क्या करें, तो इस प्रकार कंडीशंस के अंदर आपको एक एक नंबर का डिफरेंस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, व्हाटएवर, तो आपको इस बेस से आंसर निकालना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं और मैंने इससे भी करके आपको दिखाया है। तो ये 22 क्वेश्चन की सीरीज थी, हम मिलते हैं इसके बाद में अगले 30 क्वेश्चन की सीरीज में, तब तक इसको देखें और हाँ शेयर करना नहीं भूलें।